Bright India Public School, an English medium co-educational senior secondary school, जहां पढ़ाई के साथ साथ होता है आपके बच्चे का overall development. Bright India Public School, near GC2, Poysagar Road, Ajmer. Admissions open. आज हमने यहाँ नीचे तो कर पे क्या लगा है? अरे नीचे तो कर आज यहाँ हमने जिलाधीश महोदय को महामहिम राष्ट्रपति के नाम जो है ज्ञापन पत्र सौंपा है। जिस तरह देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग लगातार केंद्र में बैठी भाजपा सरकार कर रही है और एजेंट के रूप में वो संस्थाएं काम कर रही हैं, ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के अंदर जिन संस्थाओं पर पूरी भारत की जनता का भरोसा है, पूरे लोकतंत्र का को भरोसा है, उस जगह पर जो है इस तरह की लोकतंत्र की हत्या करना भारतीय जनता पार्टी के लिए शोभित नहीं देता है। क्योंकि अब आ रहे हैं लोकसभा के चुनाव और आगामी दिनों में जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उसके तहत भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है और कहीं तो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके अंदर भेज रही है, क्योंकि कोई उनके खिलाफ बोलने वाला नहीं होना चाहिए। कहीं वो एक देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी उसके खाते सीज कर रही है, उसको नोटिस दे रही है, और उसी जगह पर अगर ये नोटिस 1835 करोड़ रुपए का कांग्रेस को दिया गया है तो भारतीय जनता पार्टी का नोटिस तो 5000 करोड़ का होता है, उनको नोटिस क्यों नहीं थमाया गया है? तो इस तरह से जो हमारे सारे अकाउंट सीज कर दिए गए, तो ये चाह रही हैं कि कोई विपक्ष के अंदर ना तो बोलने वाला बचे और ना विपक्ष के अंदर कोई चुनाव लड़ने वाला बचे। ऐसी स्थिति में आप देश का हाल देख रहे हैं, उसके खिलाफ जो है हमने आज यहाँ महामहिम महोदय के नाम जो है या जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है और उसमें मांग की है कि इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं किया जाए, अपनी सत्ता का और पावर का दुरुपयोग नहीं किया जाए, क्योंकि आने वाला समय जनता जवाब देगी और जनता जवाब देने को तैयार है। जनता समझ चुकी है कि जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी उन मुद्दों को गौन करके और हिटलर शाही से जो इन्होंने देश में राज करने की जो नीति अपना रखी है उस चीज़ को जनता शीघ्र ही जवाब देने जा रही है। पुलिस ने आपको अंदर आने नहीं दिया? देखिए वो इनकी प्रक्रिया थी, हमारा काम था यहाँ ज्ञापन देना। पूरे भारत के अंदर जो है आज कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन दिया है, जिस तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ, और पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन